So, in today's class, we are going to solve a numerical problem on the basis of determination of permeability. जो डार्सीज इक्वेशन हमने देखी थी लास्ट क्लास में, ठीक है, उसको यूज करके वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ परमेबिलिटी. ठीक है, उसके बाद में वी विल स्टडी अबाउट द क्लिंकनबर्ज इफेक्ट. ठीक है, तो जो हमने लास्ट क्लास में जो एंड किया था वो था डार्सीज इक्वेशन पे. दिस इज द योर डार्सीज इक्वेशन. हेयर क्यू इज द फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, जिसका यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब सेकंड पर सेकंड में. के इज द परमेबिलिटी हेयर, जिसका यूनिट है डार्सीज. ठीक है, डार्सी में हम मेजर करते हैं परमेबिलिटी को. ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसका यूनिट है क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो आपका फ्लूड है वो फ्लो हो रहा है. ठीक है, वो एरिया जिसका यूनिट है यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर में. ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर यहाँ इसका यूनिट है. जो पी वन माइनस पी टू हेयर, इट इज प्रेशर ड्रॉप. ठीक है, कोई भी फ्लूड है जो आपका फ्लो होता है वहां पे प्रेशर ड्रॉप होना बहुत ज्यादा जरूरी है. जब प्रेशर ड्रॉप का मतलब एक पॉइंट पे अगर हायर प्रेशर है एंड दूसरे पॉइंट पे आपका जो प्रेशर है वो लो है. ठीक है, जैसे यहाँ पे पी वन पे हायर प्रेशर है और पी टू पे प्रेशर लो है, इस वजह से पी वन से पी टू के डायरेक्शन में जो फ्लूड है उसका फ्लो हो रहा है. ठीक है, तो मतलब पी वन पे हायर प्रेशर है, पी टू पे लो प्रेशर है, मतलब हेयर इट इज अ प्रेशर ड्रॉप. ठीक है, यहाँ पे एक प्रेशर ड्रॉप है जो की वर्क कर रहा है. ठीक है, तो ये इसको हम पी वन माइनस पी टू को हम प्रेशर ड्रॉप कहते हैं. डिवाइडेड बाय म्यू, म्यू इज द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूड. ठीक है, जो भी फ्लूड है जो फ्लो कर रहा है उसका विस्कोसिटी है, जिसका यूनिट है सेंटीपॉइज. ठीक है, एल इज द लेंथ ऑफ द कोर. एल इज द, किसी का माइक है वो जो कि ऑन है, प्लीज म्यूट योर माइक. एवरीबडी चेक, प्लीज म्यूट योर माइक. ठीक है, जो L इज द लेंथ ऑफ द, जो भी सैंपल है या जिससे भी फ्लूड आपका फ्लो हो रहा है, जिससे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे कि ये जो लीनियर मॉडल हमने देखा, इसका जो लेंथ है कि कितनी लेंथ तक जो आपका फ्लूड है वो ट्रेवल कर रहा है. ठीक है, तो L जो कि सेंटीमीटर में है, इट इज द लेंथ. ठीक है, तो ये हमने जो डार्सीज इक्वेशन है वो देखिए. आज हम इस डार्सीज इक्वेशन को यूज करके एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे. ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस. सो This is your numerical problem. A brine is used to measure the absolute permeability of a core plug. Okay, the rock sample is 4 cm long and 3 cm square. यहाँ पे ये square आएगा, ठीक है, 3 cm square in cross section. ठीक है, यहाँ पे जो आपका rock sample है उसका length दे रखा है 4 cm. ठीक है, L जो है, L की value आपकी 4 cm है और 3 square centimeter में आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब A का वैल्यू 3 दे रखा है. ठीक है, द ब्राइन हैज अ विस्कोसिटी ऑफ 1 centipoise एंड जो विस्कोसिटी का वैल्यू है वो 1 centipoise दे रखा है एंड इज फ्लोइंग एट अ कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 0.5 cubic centimeter आएगा यहाँ पे. ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड अंडर अ 2 atm प्रेशर डिफरेंशियल. जो ये प्रेशर डिफरेंशियल है, मतलब प्रेशर ड्रॉप है, तो हमें प्रेशर ड्रॉप ऑलरेडी दे रखा है. जो P1 माइनस P2 है उसको हम प्रेशर ड्रॉप कहते हैं. ठीक है, कि प्रेशर में कितना डिफरेंस है, तो यहाँ पे हमें P1 माइनस P2 की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है 2 atm. ठीक है, तो अब इसने क्या बोला है, कैलकुलेट द एब्सोल्यूट परमेबिलिटी. यहाँ पे अब हमें कैलकुलेट करना है, इसका परमेबिलिटी कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो देन वी आर गोइंग टू यूज द डार्सीज इक्वेशन. डार्सीज इक्वेशन क्या था आपका, क्यू परमेबिलिटी इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू प्रेशर ड्रॉप आपका क्या रहेगा, पी वन माइनस पी टू and it would be divided by viscosity of the fluid, sorry, viscosity of the fluid into length of the core sample. ठीक है, ये हो गया अपना formula. तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली हमें इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है. जो यूनिट्स था हमें यूनिट कन्वर्जन भी कुछ नहीं करना है, क्योंकि इस फॉर्मूले में जो यूनिट जिस तरीके से है, सारे जो हमें डेटा दे रखे हैं वो उन्हीं यूनिट्स में दे रखे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका हमें क्या करना है, परमेबिलिटी, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी कैलकुलेट करना है, मतलब के का वैल्यू कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो मतलब बाकी सारे डेटा हमें दे रखे हैं. तो क्यू का जो वैल्यू है वो क्या है, 0.5 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड. ठीक है,
0.5 का वैल्यू हम रख देंगे, 0.5 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड हमें क्यू का वैल्यू दे रखा है जो कि फ्लो रेट है, ठीक है। अब के का वैल्यू तो हमें कैलकुलेट करना ही है। नेक्स्ट आपका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया तो मतलब 3 की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट जो आपका है वो है कि प्रेशर डिफरेंशियल, जो P1 - P2, इसको हम प्रेशर डिफरेंशियल कहते हैं या प्रेशर ड्रॉप करते हैं। तो प्रेशर ड्रॉप आपका कितना है, प्रेशर ड्रॉप यहाँ पे गिवन है 2 atm, प्रेशर डिफरेंशियल इज गिवन 2, ये भी atm में होता है इसका यूनिट, तो atm मतलब एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, 2 into डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, म्यू इज द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इन सेंटीपोइस, तो हमें विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड दे रखी है 1 centipoise, तो ठीक है इसका वैल्यू पुट किया हमने 1 centipoise इनटू जो लेंथ है कोर सैंपल का, लेंथ इज गिवन 4 centimeter लॉन्ग, ठीक है। तो लेंथ हमें क्या दे रखा है, 4 centimeter दे रखा है, तो 4 हमने पुट किया। अब इस इक्वेशन को क्या करना है, हमें बाकी सब नोन है, हमें क्या करना है k के लिए सॉल्व करना है। So let's calculate this equation for the value of k. ठीक है, permeability का वैल्यू कैलकुलेट करो जल्दी। 0.5 से क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई 0.5 इंटू 4 एंड इट वुड बी डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। 6 से डिवाइड करने, 3 इंटू 2 क्या हो गया, 6 हो गया, तो इसको 6 से डिवाइड करने पे जो permeability का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 0.333। अब परमेबिलिटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, इस फॉर्मूला में 0.333 क्या आ जाएगा, डार्सी, ठीक है। डार्सी में हम मेजर करते हैं परमेबिलिटी को, सब सारी जगह आपको यूनिट्स का बहुत ज्यादा यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द यूनिट्स, ठीक है, कि कौन सा यूनिट में हमें पुट करना है, ठीक है। अगर जैसे कि यहाँ पे ये 4 centimeter की जगह आपको इंच या फीट में दे रखा होता, तो पहले आपको सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करना होता है इस फॉर्मूले में रखने से पहले, ठीक है। तो सारे यूनिट्स को आपको ध्यान में रखना होगा कि इस फॉर्मूला में कौन से यूनिट को हमें किस तरीके से पुट करना है और फिर हमें वैल्यूज पुट करनी। तो इस फॉर्मूला में जो के है, परमेबिलिटी है, वो यहाँ पे हम डार्सी में है, ठीक है। तो परमेबिलिटी का जो यूनिट हो गया डार्सी, 0.333 डार्सी इसका आंसर हो गया, इसका एब्सोल्यूट जो परमेबिलिटी है वो ये है, ठीक है। तो ये हो गया न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ डार्सी इक्वेशन की हम परमेबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे द क्लिंकनबर्ज इफेक्ट, ठीक है। द क्लिंकनबर्ज इफेक्ट क्या होता है पहले इसको समझेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, एक क्लिंकनबर्ज करके एक साइंटिस्ट था, उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है। कोर सैंपल पे हम क्या करते हैं, कोर सैंपल पे एक्सपेरिमेंट करते हैं और परमेबिलिटी के वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि कोर सैंपल को एक कोर होल्डर में रखा जाता है, फिर एक प्रेशर ड्रॉप दिया जाता है, तो प्रेशर ड्रॉप का वैल्यू हमें पता होता है, ठीक है। अब कोर सैंपल में जो फ्लूड हम पास करा रहे हैं, ठीक है, उसका उस फ्लूड को कितनी फ्लो रेट हमें दे रहा है, उस पर्टिकुलर प्रेशर ड्रॉप के अंडर में वो कितनी फ्लो रेट दे रहा है, उस फ्लो रेट को हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो अब फ्लो रेट का वैल्यू आ गया, प्रेशर ड्रॉप हमने जितना अप्लाई किया वो हमें वैल्यू पता है, विस्कोसिटी जो फ्लूड हम यूज कर रहे हैं उसका विस्कोसिटी हमें पता होता है, ठीक है। और उसका जो ज्योमेट्री है, जो कोर सैंपल है, कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, उसका लेंथ कितना है, ये हमें नोन होगा। तो जब हमें ये सब नोन होता है तो हम परमेबिलिटी के वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो क्लिंकनबर्ज साइंटिस्ट था उसने ये नोट किया कि जो फ्लूड हम यूज कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है कि परमेबिलिटी की वैल्यू कितना देगा, मतलब परमेबिलिटी की जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है कि विच काइंड ऑफ फ्लूड वी आर यूजिंग। उसने देखा कि जब हम गैस को, जब हम लिक्विड को यूज कर रहे हैं, ठीक है, लिक्विड फ्लूड को यूज कर रहे हैं परमेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, और अगर हम उसकी जगह पे जब गैस को यूज कर रहे हैं परमेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, तो जब हम गैस को यूज कर रहे हैं परमेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए, मतलब गैस को फ्लो करा रहे हैं उस कोर सैंपल से और परमेबिलिटी को गैस की हेल्प से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो गैस जो परमेबिलिटी मिलेगी वो ज्यादा, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। सेम कोर सैंपल को जब हम यूज कर रहे हैं उसकी परमेबिलिटी की वैल्यू जब ज्यादा होगी, जब हम गैस को यूज कर रहे हैं और लिक्विड, जब हम लिक्विड को यूज करके और परमेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं उसी कोर सैंपल से, सारा वैल्यू सारा सेम है, प्रेशर ड्रॉप सेम है, तो लिक्विड को यूज करने पे जो परमेबिलिटी का वैल्यू होगा वो कम होगा कंपेरेटिवली गैस के, ठीक है, मतलब
गैस जो यूज कर रहे हैं हम उसका परमिबिलिटी का वैल्यू ज्यादा होगा और लिक्विड यूज कर रहे हैं तो उसका वैल्यू कम होगा सेम कोर सैंपल में. तो मतलब जो आपका ये जो स्टेटमेंट इसने दिया है, द परमिबिलिटी ऑफ अ कोर सैंपल मेजर्ड बाय फ्लोइंग एयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द परमिबिलिटी ऑब्टेंड व्हेन अ लिक्विड इज द फ्लोइंग थ्रू. ठीक है, जब हम गैस यूज कर रहे हैं परमिबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए तो उस कोर सैंपल जो परमिबिलिटी का वैल्यू दे रहा है वो वैल्यू हायर देगा किसके कंपैरिजन में, जब हम लिक्विड यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो बाद में क्लिंगनबर्ज एक कंक्लूजन पे पहुंचा है कि भाई इसका जो रीजन है वो क्या है. ठीक है, तो इसका रीजन हम समझेंगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है. ठीक है, तो लिक्विड हैज अ जीरो वेलोसिटी एट द सेंड ग्रेन सरफेस. मतलब जो अब कोर सैंपल से जो आपका पास हो रहा है, फ्लूइड पास हो रहा है, ठीक है, तो उसमें ग्रेन पार्टिकल्स भी होंगे. ठीक है, तो ग्रेन पार्टिकल्स पे जो लिक्विड होता है उसकी जो वेलोसिटी होती है वो ग्रेन पार्टिकल्स पे जीरो वेलोसिटी होती है. मतलब स्लिपेज वेलोसिटी जो ग्रेन पार्टिकल्स पे होगी वो जीरो होती है. लेकिन एट द अदर हैंड जो जो गैसेस होती है वो कुछ फाइनाइट वेलोसिटी को शो करती है. ग्रेन जो ग्रेन सरफेस होता है, सैंड ग्रेन के सरफेस होता है, ग्रेन पार्टिकल का सरफेस, उस पर कुछ फाइनाइट वेलोसिटी शो करती है. और ये जो फाइनाइट वेलोसिटी है वो ही ऐड करती है इसकी फ्लो रेट की वेलोसिटी. मतलब जो फ्लो रेट का जो वेलोसिटी से फ्लूइड फ्लो करेगा, ये जो स्लिपेज वेलोसिटी होगा, ये जो फाइनाइट वेलोसिटी जो ग्रेन की फेस पे सरफेस पे गैस शो कर रही है, ठीक है, वो ऐड कर देगा. ठीक है, वो जो जो हमारा स्लिपेज वेलोसिटी या जो सैंड ग्रेन के सरफेस पे जो वेलोसिटी होगा वो जो फ्लूइड का फ्लो रेट होगा उसमें ऐड होके उसका जो फ्लो रेट या वेलोसिटी को हाई कर देगा. ठीक है, इसलिए जो गैसेस है वो हायर परमेबिलिटी डेटा बताएंगे कंपेयर टू द लिक्विड, क्योंकि लिक्विड में ये जो स्लिपेज वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है. स्लिपेज वेलोसिटी सैंड ग्रेन के सरफेस पे जो वेलोसिटी होती है उसको हम कहते हैं. ठीक है, क्यों इसमें हम ये जो अदर इसने ये जो हमें एक्सप्लेनेशन दिया है, इन द अदर वर्ड्स द गैसेस एग्जिबिट्स स्लिपेज एट द सैंड ग्रेन सरफेस. मतलब जो गैस जो सैंड ग्रेन जो ग्रेन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जिससे कोर बना हुआ है, जो भी रॉक्स बनी हुई है, उन ग्रेन पार्टिकल्स पे जो गैस होती है वो स्लिपेज शो करती है. ये स्लिपेज वेलोसिटी ही क्या करेगी, जो फ्लो रेट है उसमें ऐड हो जाएगा. मतलब जो फ्लो वेलोसिटी होगी फ्लूइड में उसमें ऐड होके और उसका वेलोसिटी हायर कर देगा. यही जो रीजन है, जो स्लिपेज इफेक्ट है, जो कि गैस शो कर रही है लेकिन लिक्विड शो नहीं कर रहा है. दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग हायर परमेबिलिटी वैल्यूज व्हेन वी आर यूजिंग द एयर और गैस एज द फ्लोइंग मीडियम. ठीक है, इंस्टेड ऑफ लिक्विड, लिक्विड का वैल्यू है, परमेबिलिटी का वैल्यू हमें कम मिलेगा कंपेयर टू गैस. ठीक है, तो हमें ये इसके लिए फिर हमें करेक्शन फैक्टर्स भी अप्लाई करने होते हैं. अगर हम गैस यूज कर रहे हैं तो हमें ये पता होगा कि परमेबिलिटी का जो वैल्यू है वो हायर डेटा दे रहा है हमें. ठीक है, जो इसका ओरिजिनल है उसके कंपैरिजन में हमें हायर डेटा दे रहा है. ठीक है, तो क्लिंगनबर्ज ने, ठीक है, इसी इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए जो गैस और लिक्विड परमेबिलिटी है उसके बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश किया. ठीक है, इस लीनियर रिलेशनशिप को हम देखेंगे नेक्स्ट में. This is the linear relationship between the gas permeability and the liquid permeability. जो kg है यहाँ पे, kg आपका gas का permeability है, ठीक है, equals to kl plus c into 1 by pm. ठीक है, अब हम देखेंगे ये data क्या क्या है. kg is the gas permeability, जो हमने gas को use करके जो permeability का value measure किया है उसका value है kg. ठीक है, Equals to KL. KL यहाँ पे लिक्विड का परमेबिलिटी है. हमने मतलब लिक्विड को यूज करके और परमेबिलिटी को कैलकुलेट किया है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ लिक्विड. ए प्लस सी इज द स्लोप ऑफ दिस लीनियर रिलेशनशिप. ठीक है, ये अब हम सी भी देखेंगे कि जो ये सी स्लोप है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है, इंटू वन बाय पी एम. ठीक है, वन बाय पी एम. अब पी एम यहाँ पे क्या है, पी एम को हम कहते हैं मीन प्रेशर. ठीक है, मीन प्रेशर क्या होता है, मीन प्रेशर इज द समेशन ऑफ द अपस्ट्रीम प्रेशर प्लस द डाउनस्ट्रीम प्रेशर डिवाइडेड बाय टू. मतलब अपस्ट्रीम प्रेशर और डाउनस्ट्रीम प्रेशर. अपस्ट्रीम प्रेशर मतलब कि जो आपका जो हम वेलबोर से जो वेलबोर में जो फ्लूड एंटर कर रहा है, कितने प्रेशर से एंटर कर रहा है, उसको हम अपस्ट्रीम प्रेशर कहते हैं. ठीक है, अब वेलबोर से वो क्या आएगा, सरफेस पे आएगा. तो सरफेस पे, सरफेस कंडीशन पे उस कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है उसको हम P2 से कह रहे हैं डाउनस्ट्रीम प्रेशर. ठीक है, तो ये जो प्रेशर ड्रॉप हो रहा है P1 क्या होगा, हायर प्रेशर पे होगा. मतलब जो फ्लूड है आपका एंटर कर रहा है वेलबोर में, वो हायर प्रेशर पे एंटर करेगा. ठीक है, और जैसे जैसे वो सरफेस पे जाएगा
जो प्रेशर है वो कम होता जाएगा, ठीक है, सरफेस पे प्रेशर कम होता है, तो ये प्रेशर ड्रॉप ही वर्क करेगा जो कि फ्लूड को फ्लो कराएगा बेलबोर से सरफेस तक, ठीक है। तो यहाँ पे जो पीएम जिसको हम कह रहे हैं मीन प्रेशर इन दोनों का समेशन का एवरेज होता है, ठीक है, अपस्ट्रीम प्रेशर और डाउनस्ट्रीम प्रेशर का एवरेज होता है मीन प्रेशर। तो ये जो क्लिंकनबर्ग ने रिलेशन दिया मीन प्रेशर लिक्विड परमेबिलिटी एंड गैस परमेबिलिटी के बीच में, ये इस तरीके से लीनियर रिलेशनशिप है। अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं गैस परमेबिलिटी एंड मीन प्रेशर, जो आपका रेसिप्रोकल है, मीन प्रेशर का रेसिप्रोकल है उसके बीच में, ठीक है, तो जो स्लोप है वो हमारी क्या होगी, सी होगा, सी वुड बी द स्लोप, ठीक है। अगर हम केजी और 1/PM के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें एक लीनियर रिलेशनशिप मिलेगा, एक लीनियर कर्व मिलेगा, ठीक है। KL क्या होगा, जो लिक्विड परमेबिलिटी वो इंटरसेप्ट की तरह वर्क करेगा, ठीक है, और ये आपने रिलेशनशिप पढ़ा ही होगा y=mx+c, ठीक है, उसी तरीके से ये स्ट्रेट लाइन का रिलेशनशिप है और सी यहाँ पे m की जगह सी है, सी क्या है, स्लोप ऑफ दिस लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है। तो अगर हम इसका कर्व देखेंगे केजी, ये जो है यहाँ पे वाई एक्सिस पे आपका केजी क्या है, गैस परमेबिलिटी, और जो आपका एक्स एक्सिस पे क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ मीन प्रेशर, ठीक है। 1/PM के बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, लीनियर रिलेशनशिप मिलेगा, ठीक है। तो इस लीनियर रिलेशनशिप में ये हमें क्या शो कर रहा है कि आपका जो लिक्विड का परमेबिलिटी वो तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो आपका जो गैस का परमेबिलिटी है वो 1/PM का वैल्यू इंक्रीज होने के साथ जो गैस का परमेबिलिटी है वो भी इंक्रीज होता जाएगा, मतलब स्लिपेज है जो कि आपका इंक्रीज होता जाएगा। 1/PM का वैल्यू इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि जो मीन प्रेशर है वो डिक्रीज हो रहा है, तभी तो 1/PM का ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो मीन प्रेशर डिक्रीज होने के साथ जो आपका गैस का परमेबिलिटी है उसका स्लिपेज है वो इंक्रीज होता जाएगा, स्लिपेज इंक्रीज होगा मतलब गैस का जो परमेबिलिटी का वैल्यू आएगा वो भी, गैस यूज करके परमेबिलिटी का वैल्यू आएगा वो भी इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो लिक्विड का परमेबिलिटी है वो कॉन्स्टेंट है क्योंकि इसपे जो स्लीपेज इफेक्ट है वो वर्क नहीं करता, क्योंकि जो सैंड ग्रेन्स पे जो लिक्विड फ्लूड का जो वेलोसिटी होता है वो जीरो होता है, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो हमने एक्सट्रापोलेट किया इस लाइन को, ये वाला जो कर्व है वो तो गैस की परमेबिलिटी को शो कर रहा है, ठीक है, ये आपका कांस्टेंट लिक्विड की परमेबिलिटी है। अगर हम इसको एक्सट्रापोलेट करें और इसको 1/PM की वैल्यू यहाँ तक अगर हम लेके आए तो इसका मतलब क्या है, जो आपका 1/PM है उसका वैल्यू जीरो हो गया। अब 1/PM का वैल्यू जीरो होने का मतलब देखो, 1/PM का वैल्यू इक्वल्स टू जीरो होने का मतलब क्या हो गया, जो आपका पीएम का वैल्यू है, पीएम का वैल्यू टेंड्स टू क्या है, इन्फिनिटी, ठीक है, जो मीन प्रेशर है वो इन्फिनिटी हो जाएगा तब जाके ये पॉसिबल है, मीन प्रेशर की वैल्यू जब इन्फिनिटी हो जाएगी तब 1/PM इक्वल्स टू जीरो पॉसिबल है, और 1/PM इक्वल्स टू जीरो होगा तभी जो आपका लिक्विड का परमेबिलिटी और गैस का परमेबिलिटी है वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेटा कि हम किस तरीके से इसको समझते हैं 1/PM एंड PM के बीच में, ठीक है। तो ये आपका लीनियर रिलेशनशिप था। केजी की वैल्यू आपको पता ही है कि ज्यादा होती है, अगर हम गैस यूज कर रहे हैं तो गैस की परमेबिलिटी की वैल्यू ज्यादा होगी, तो केजी इज इक्वल टू, दैट्स वाई KL+C × 1/PM, ठीक है, ये इसका रिलेशनशिप है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, आपको ये पता होना चाहिए। और क्यों हो रहा है ये, स्लीपेज इफेक्ट की वजह से, जो गैस है वो ब्रेन पार्टिकल्स पे स्लीपेज शो करती है, दैट्स व्हाई उससे मेजर कर रहे हैं हम जो परमेबिलिटी, उसका वैल्यू हायर होगा कंपैरेटिवली लिक्विड के परमेबिलिटी के, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लिंकनबर्ग इफेक्ट। अब बात आती है जो इसका जो स्लोप है, जो सी से हम डिनोट कर रहे हैं, स्लोप ऑफ द लाइन, ये स्लोप है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे कि स्लोप है जो कि कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो क्लिंकनबर्ग सजेस्टेड दैट द स्लोप सी इज अ फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, ठीक है, ये फॉलोइंग फैक्टर्स है जिसपे जो आपका स्लोप है वो डिपेंड कर रहा है उस लीनियर रिलेशनशिप का, ठीक है। सबसे पहले तो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी के, दैट इज परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम टू अ सिंगल फेज, मतलब जो KL है, जो आपका लिक्विड परमेबिलिटी है, ठीक है, उस पर डिपेंड कर रहा है, या मतलब जो टोटल परमेबिलिटी है कोर सैंपल का उस पर आपका स्लोप है वो डिपेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ द गैस यूज्ड इन द मेजरिंग परमेबिलिटी, एग्जांपल एयर,
ठीक है, मतलब हम कौन सा गैस यूज कर रहे हैं इस पे भी आपका स्लोप का वैल्यू डिपेंड करेगा। स्लोप का वैल्यू हायर हो सकता है, लो हो सकता है। हम कौन से टाइप का एयर यूज कर रहे हैं, हम कौन सी गैस यूज कर रहे हैं, मिथेन यूज कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस यूज कर रहे हैं, नाइट्रोजन यूज कर रहे हैं, ठीक है, प्रोपेन यूज कर रहे हैं, कौन सा गैस यूज कर रहे हैं उस पर आपका स्लोप डिपेंड करेगा। ठीक है, इसको हम समझेंगे, एक ग्राफ से हम समझ सकते हैं कि जैसे ये है जो परमेबिलिटी वो गैस का परमेबिलिटी है, ठीक है, और ये 1 बाय पीएम के बीच में हम सेम ग्राफ देख रहे हैं। इस तरीके से लीनियरली 1 बाय पीएम का वैल्यू इंक्रीज होने के साथ परमेबिलिटी का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन आप ये यहाँ पे ये जो गैस का इफेक्ट देखेंगे कि सबसे पहला जो कर्व है वो मिथेन का है, कि मिथेन को यूज कर हमने गैस मिथेन गैस को यूज करके परमेबिलिटी का वैल्यू कैलकुलेट किया। सेकेंड आपका इथेन का है, थर्ड वन इज फॉर प्रोपेन। ठीक है, तो जब मिथेन हम यूज कर रहे हैं तो इसका जो स्लोप है वो हायर वैल्यू है, मतलब जो परमेबिलिटी का वैल्यू है वो हायर वैल्यू शो कर रहा है कंपेरेटिवली। जैसे आपने 1 बाय पीएम का एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो प्रोपेन का परमेबिलिटी का वैल्यू है वो कम है, सबसे कम है, इथेन का फिर उससे ज्यादा है, मिथेन यूज कर रहे तब हम मिथेन का सबसे ज्यादा है। ये क्या करेगा, जो जिस गैस का मॉलिकुलर वेट है वो कम होता है वो गैस क्या करेगी, परमेबिलिटी की वैल्यू को हायर परमेबिलिटी वैल्यू शो करेगी, ठीक है, कंपेरेटिवली उन गैसेस के जिनका परमेबिलिटी का वैल्यू जो मॉलिकुलर वेट है वो कम है। ठीक है, जो मॉलिकुलर जो लाइटर गैस होगी, जो लेस डेंस गैस होगी वो ज्यादा परमेबिलिटी का वैल्यू कैलकुलेट करेगी, शो करेगी, रिप्रेजेंट करेगी कंपेरेटिवली जो ज्यादा मॉलिकुलर वेट की गैसेस है। ठीक है, इस तरीके से आपका जो स्लोप है वो अफेक्ट होगा कि कौन सी टाइप की गैस है जो कि हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एवरेज रेडियस ऑफ द रॉक कैपिलरीज। जो आपका जो रॉक्स है, ठीक है, रॉक के बीच में जो ग्रेन जो आपके पोर है, ठीक है, पोर आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं तो वो एक तरीके की कैपिलरी या ट्यूब्स की तरह होते हैं। ठीक है, तो ये कैपिलरीज का जितना ज्यादा डायमीटर होगा स्लोप आपकी उतनी ही कम होगी। ठीक है, ये इनवर्सली वर्क करता है, क्योंकि अगर आपका जो डायमीटर है वो ज्यादा है, अगर मान लिया कि डायमीटर कम है, ठीक है, डायमीटर कम है मतलब उसको जो एरिया है वो कम मिल रहा है फ्लो होने के लिए। जब फ्लो होने के लिए फ्लूड को एरिया कम मिल रहा है तो उसका वेलोसिटी ज्यादा होता है। ठीक है, वेलोसिटी ज्यादा होगा तो आपका जो फ्लो वेलोसिटी है वो भी ज्यादा होगा। ठीक है, अगर जो कैपिलरीज है वो आपकी ज्यादा डायमीटर की है, मतलब जो फ्लो एरिया है उनको ज्यादा मिल रहा है, तो फ्लूड का वेलोसिटी वो कम होगा कंपेरेटिवली जो कैपिलरीज है जो जिनका साइज है वो कम है। ठीक है, तो ये एक दूसरे की रेसिप्रोकल वर्क करता है। अगर जो आपकी कैपिलरीज है उनका एरिया स्मॉलर एरिया है तो जो आपकी स्लोप है वो ज्यादा वैल्यू शो करेगी, तो इसी से जो परमेबिलिटी गैस की परमेबिलिटी होगी वो ज्यादा ज्यादा हमें शो करेगा। ठीक है, अब जो है कैपिलरीज की वैल्यू अगर लार्जर डायमीटर की है, ठीक है, तो आपके जो परमेबिलिटी की वैल्यूज होगी वो कम होगी कंपेरेटिवली जो स्मॉलर कैपिलरीज है उनके। तो ये एक दूसरे के रिवर्स में वर्क करते हैं, स्लोप और कैपिलरीज का डायमीटर। ठीक है, सो आज की क्लास में हमने द क्लिंकनबर्ज इफेक्ट को पढ़ा और जो न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम था ऑन द बेसिस ऑफ डार्सिस इक्वेशन की हम परमेबिलिटी का वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमने आज की क्लास में देखा। ठीक है, तो अब आपके जो भी डाउट्स हैं यू कैन आस्क मी योर डाउट्स नाउ।